केंद्र सरकार ने दिवाली तो पहला किसानां अते सरकारी मुलाजमान नूं वड्डा तोहफा दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिस विच 1 जुलाई 2023 तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते अते पेंशनां दे महंगाई राहत DR विच 4% का वाधा करन दा फैसला किया गया सी। त्यौहारों के मौके पर रेलवे विभाग के नॉन गजटड रेलवे कर्मचारियों 78 दिनों की तनखाह के बराबर बोनस देने का फैसला किया गया। हाड़ी दियां 6 फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल विच भी 7% का वाधा किया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राही दी है। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का दे डेयरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का दे डेयरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स, उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,857 करोड़ रुपये इसके ऊपर वित्तीय भार आएगा। दूसरा निर्णय, रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है। और जैसा कि दशहरा नज़दीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि त्यौहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूँगा रबी की फसल, जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, CACP के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है। और इसके जो हमारे कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफ़ी बल दिया है, ताकि ऑयल सीड हों, पल्सेस हों, मिलेट्स हों, यानी कि मोटा अनाज, दलहन तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज्यादा आय के साधन मिल सके। और नवीं खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करो PBX News, द ऑफिशियल YouTube चैनल।